हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आजकल नीट की सीरीज चला रहे हैं, और क्लास 11th के लिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कंसेप्ट को देख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने कल की क्लास में आपको बेसिक मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या फीचर्स होते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायवर्सिटी के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग डायवर्सिटी की बात करें तो जो डायवर्सिटी है वो बेसिकली क्या है, व्हाट इज डायवर्सिटी की अगर बात करें तो बेसिकली जो डायवर्सिटी है, ये डायवर्सिटी जो है, ये है वेरिएशंस, जो विभिन्नताएं हैं। लिविंग वर्ल्ड में आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं क्या एक जैसे दिखते हैं? तो आखिर ये वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं? ठीक है, सो देयर आर सेवरल ऑल्सो जनरेट ऑर्गेनिज्म दैट यू कैनॉट सी विद योर नेकेड आइज, बट दे आर ऑल अराउंड यू। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज को। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्पीशीज होती है जो कि नोन होती है, डिस्क्राइब किसी रेंज में किया जाता है, 1.7 से 1.8 मिलियन होती है, इसको हम लोग बायोडायवर्सिटी बोलेंगे। बायोडायवर्सिटी का मतलब है द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मींस बायोडायवर्सिटी का एक मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसका नंबर भी ज्यादा हो, ठीक है, और टाइप्स भी ज्यादा हो। डायवर्सिटी को हम लोग नंबर और टाइप्स दोनों से काउंट करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो डायवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस से देखी जाती है, और साथ ही साथ स्पीशीज रिचनेस और इवेननेस। डायवर्सिटी को देखने के लिए दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, रिचनेस और इवेननेस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ नए एरिया हम लोगों ने एक्सप्लोर करे हैं कि देखिए, द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नंबर और टाइप, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे रिगार्डिंग डायवर्सिटी। दूसरी बात आती है कि हम नॉमेनक्लेचर कब करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब नॉर्मल, जैसे हम लोग नामकरण संस्कार करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर का मतलब हमने उसको कुछ नाम दिया। नाम आप कब देंगे? जब आप पहले आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि हम लोकल, जैसे मैं कानपुर की हूँ तो मैं बता रही हूँ कि भाई कानपुर में भाई इस चीज को इस नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका एक ऐसा नाम होना चाहिए, एक ऐसा आइडियल नेम होना चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जा रहा है। जैसे कि हम लोग मैंगो को कह देते हैं मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे ह्यूमन बींग्स को होमो सापियंस बोल रहे हैं, रैट को रैटस रैटस, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिटीज में उनका बोलने का लैंग्वेज अलग हो सकता है। ओके, दूसरी बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब एक सिंपल टर्म में है पहचानना। ठीक है, सो आइडेंटिफाई करना मतलब उसको पहचानना, उस ऑर्गेनिज्म को। नॉमेनक्लेचर करा आपने, नेमिंग इज ओनली पॉसिबल। नेमिंग आप कब कर पाएंगे? जब आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे उस और कि हाँ भाई ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सो इतनी सी यहाँ पे बात थी। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट पॉइंट के साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या डायवर्सिटीज होती हैं लिविंग वर्ल्ड के रिगार्डिंग। मीन्स अगर कोई लिविंग है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। सो देखिए, हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन पे फोकस कर रहे थे, तो अब मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट यहाँ पर बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैरोलस लीनियस ने दिया था, जहां पर हम लोग एक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो नाम देते हैं, एक होता है उसका जीनस और एक होता है उसका स्पीशीज। स्पीशीज को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जीनस का जो लेटर होता है, अल्फाबेट जो होता है, वो कैपिटल लेटर होता है। सपोज एग्जांपल मैं आपको बताऊं होमो सैपियंस, तो होमो का एच हमेशा कैपिटल बनेगा क्योंकि ये जीनस है और सैपियंस इसकी स्पीशीज है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी दो ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाता है, नीट में फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल। जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स की बात की गई है, और बोटानिकल मतलब हमेशा हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग सिंपल टर्म में इसको फौना और फ्लोरा भी बोल देते हैं। प्लांट्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फ्लोरा, ठीक है, और एनिमल्स के लिए फौना टर्म यूज करते हैं। सो
दे आर ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन गिवन फॉर एनी अदर, वो नाम फिर किसी और को नहीं दिया जाता है। तो किसी भी बायोलॉजिकल नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेरिक और एक स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड दिस नेमिंग गिवन बाय, किसने दिया था? कार्लिनियस। कई बार आप बुक्स में पढ़ेंगे तो कैरोलस का नाम कार्ल भी दिया रहता है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मैंगो का केस बताया। मैंगो के केस में मैंने आपको उसका बोटेनिकल नेम बताया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। सो मैग्नीफेरा बेसिकली क्या है? मतलब जीनस है, और इंडिका क्या है? वो स्पीशीज है। आगे का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि आगे के कंसेप्ट में क्या है। वो जो मैंने आपको बताया कि हमेशा हम लोग जीनस को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और स्पीशीज को स्मॉल लेटर या इटैलिक्स में स्टार्टिंग करते हैं, इसको मैं यहाँ पे कुछ आपको एनसीईआरटी की जो एक एक लाइन, हमारा जो मेन फोकस है वो कोर कंसेप्ट को फोकस करना है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने जो जो भी कंसेप्ट लिया यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग देखिए, मैंगो के लिए मैग्नीफेरा इंडिका लिखा है। जो मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इसका जीनस, और जो इंडिका है रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स में लिखी जाती हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन, एंड द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, सेकेंड वर्ड स्पीशीज को बताता है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा किसी का भी इंटरनेशनल पेपर पब्लिश होता है, जितने भी फॉरेन राइटर्स हैं उनका जैसे सर नेम, जैसे लाइक माई नेम इज प्रिया श्रीवास्तव, सो श्रीवास्तव इज माई जीनस। सो कभी भी जब भी फॉरेन राइटर्स में या कभी भी इंटरनेशनल जर्नल्स में आते हैं नाम साइंटिस्ट के या किसी भी राइटर के, किसी भी ऑथर के, तो उनका जो जीनस है, जो उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पहले आएगा, और श्रीवास्तवा प्रिया कुछ इस तरीके से नाम आएगा स्टूडेंट्स। बट द वर्ड्स द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। तो क्या होता है जब हम लोग स्पीशीज का नेम लिखते हैं, सपोज मैंने रैट रैट का एग्जाम्पल लिया, बहुत ही अच्छा नाम है इसका, जीनस और स्पीशीज दोनों सेम है, याद करने में बच्चों को बहुत आसानी रहती है। तो रैटस रैटस, तो हमेशा हम लोग क्या कर देते हैं, स्पीशीज को अंडरलाइन कर देते हैं। जब आप हैंड रिटन करेंगे इन प्रिंटेड इटैलिक्स में प्रिंट कर देते हैं, जब भी प्रिंटेड होगा, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग डिनोटिंग द जीनस विद द कैपिटल लेटर एंड वाइल द अदर विद द स्मॉल लेटर, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका। अगली बात हम लोग फोकस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब, जैसे आपको अलग अलग क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, जैसे हम भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11, तो हर एक आदमी का, हर एक स्टूडेंट का एक आईक्यू लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लास असाइन की गई है। सो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग करेक्टर के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स। कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट। द मोमेंट वी यूज ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट विद सर्टेन करेक्टर्स। हम लोग यहाँ पे कुछ करेक्टर्स को ले आते हैं, और वो करेक्टर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, तो जब भी हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो आप याद रखेंगे कि क्लासिफिकेशन का सीधे किससे मतलब होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब है हम उसको पहले नेम कर रहे हैं ताकि ऑल ओवर इंडिया उसको जाना जाए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे टैक्सोनॉमी की हम लोग बात करेंगे कि टैक्सोनॉमी और टैक्सा क्या होते हैं। व्हाट इज टैक्सा एंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो हियर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टैक्सा। जो साइंटिफिक टर्म होते हैं दे आर फॉर दीज कैटेगरीज कॉल्ड टैक्सा, और जो क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, अलग अलग टैक्सा में रखे गए हैं, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, टैक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक स्टडी है, क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो फोकस होगा वो बेसिकल फोकस होगा हमारा, हम लोग अभी क्लासिफिकेशन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। टेक्सोनॉमी और टैक्सा हम लोगों ने कवर कर लिया है, और व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो लेक्चर होगा वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में होगा। हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स को कर रहे हैं, एक चैप्टर को बाइफरकेट करके कर रहे हैं, ताकि आप इजिली कंसेप्ट को समझ पाए और एनसीईआरटी को गो थ्रू करें। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन यूज।
सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सिस्टमैटिक से टर्म आता है, ह्यूमन बींग्स वर्सन्स लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर बट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डायवर्सिटी बट ऑल्सो द रिलेशनशिप, उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी जानना चाह रहे थे, उसको हम लोग सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ड सिस्टमैटिक से ये डिराइव किया गया, एक लेटिन वर्ड जिसका नाम है सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब भी होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो लीनियस जो थे, कैरोलस लीनियस, उन्होंने सिस्टेमा नेचुरा एक टाइटल दिया है पब्लिकेशन को, अपने अपने पब्लिकेशन को। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। पहले आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उनको नाम देंगे, फिर उनको क्लासिफाई करेंगे। तो आप याद रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन, फिर उनको आप अलग अलग क्लास में क्लासिफाई कर देंगे। तो आप याद रखेंगे ये सीक्वेंस, INC, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो ये जो सीक्वेंशियल हम लोग कर रहे हैं, दिस इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और कैसे कर रहा है, पहले आइडेंटिफाई करा, फिर नॉमिनक्लेचर नाम दिया, फिर उसको क्लासिफाई करा। दिस टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अबाउट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसे आपस में इवोल्यूशनरी रिलेटेड है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग मंकी से अराइज हुए हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मंकी से आए, उसकी क्या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। सो जो आगे की क्लास होगी स्टूडेंट्स, हम लोग अब दोबारा से कल मिलेंगे, और कल की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हायरार्की आपको बताऊंगी, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो क्लासिफिकेशन का ग्रुप है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, हायरार्की को पढ़ेंगे, और एट लास्ट हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स, दो और लेक्चर मैं लूंगी कल और परसों में, और आपका ये 2 दिन में लेक्चर खत्म हो जाएगा, जो कि मैंने चैप्टर 1 को चार लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एकेडमिक्स में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार टेक्सोनॉमिक हायरार्की से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करते हुए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ें उसको, फोकस करें। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग दोबारा से कल मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।